परिवार से ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे मैम। नहीं अभी 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 मैडम को बात कर लेंगे। पिछले 5 दिनों से वो ICU में थी और more than 70% बर्न इंजुरीज थी। उसका काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इलाज और केयर किया जा रहा था। कल उसकी सिचुएशन देर रात से काफ़ी तेज़ी से डिटीरियोरेट हो रही थी। ब्लड प्रेशर वॉज फॉलिंग डाउन, तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट और कुछ मेडिसिन दिए गए जिससे उसका पल्स रेट कंट्रोल रहे और हार्ट बीट नॉर्मल रहे, प्रेशर कंट्रोल में रहे। आज सुबह वही यथावत स्थिति थी, धीरे धीरे शाम को उसकी मूवमेंट बंद हो गई है और शाम को उसका देहांत हो गया है। परिवार जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी सदमे में है। हम शुरू से ही जिला प्रशासन की सारी टीम, पुलिस प्रशासन की सारी टीम परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी सहयोग है हम देंगे उसको और फिलहाल हम उनके साथ हैं। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। मैडम परिवार की तरफ से क्या ग्रीवांस है? वही जिनके वजह से होता है उनको सज़ा दी जाए या जिस कॉजेस के वजह से हमारे ऊपर ये विपदा आई उसका एक थोड़ा सा अभी भावनात्मक सर्ज होता है तो वो आउटबर्स्ट है फैमिली में। लड़की की माँ खासकर वो नेचुरल है, तो बाकी सारे तो चीज़ें दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। हमारी इच्छा है कि अभी वो इसको तत्काल शिफ्ट करें। सारी मदद मिलेगी? एग्जैक्टली सारी मदद मिलेगी। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से होगा? मेडिकल बोर्ड से। मेडिकल कुछ मुआवजा वगैरह भी कुछ ऐसा? हाँ इनको पहले ही दिया है, पहले ही दिन हमने आके दिया है। बाकी सारे जो फैमिली को सपोर्ट करने चाहिए वो सारे सपोर्ट किया है और अभी भी हम सपोर्ट करें।